Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों Kevin Lopez back from personal tutor. Standard 11th geography playlist आप लोग देख रहे हैं. Chapter है chapter 7. That is landforms and their evolution. कैसे landforms बनते हैं? क्या natural, unnatural factors होते हैं जो landforms के formation और changes में active role play करते हैं? इसी topic में आज हम समझने वाले हैं सब टॉपिक नोन एज ब्रेडेड चैनल. अब हम एक चीज देखते हैं, जब वाटर फ्लो अपने साथ बहुत सारा कोर्स मटेरियल लेके जाता है, कोर्स मतलब बहुत ही रफ मटेरियल, हैवी स्मॉल सब मिक्स मटेरियल लेके जाता है, तो इसका जो डिपोजिशन होता है वो बड़ा सेलेक्टिव होता है. मतलब एक जगह जहाँ पे ग्रेवल है वहाँ ग्रेवल ही मिलेगा, जहाँ बड़े बोल्डर्स हैं वहाँ बोल्डर्स अटक जाएंगे. ग्रेवल ईजिली पासिस थ्रू बोल्डर्स, लेकिन बड़े बोल्डर जब एक क्लॉग होने लगते हैं, ब्लॉक होने लगते हैं, तो वहाँ रुक जाते हैं. अब ये चीज़ें जो होती है ये क्रिएट करती है कुछ सेंट्रल बार्स, जब पानी का फ्लो होता रहता है और साथ में जब अलग अलग जगह बोल्डर्स या पेबल्स या ग्रेवल या सैंड इकट्ठी रहती है तो कुछ सेंट्रल बार्स बन जाते हैं, और ये सेंट्रल बार पानी के फ्लो को बहुत अलग तरीके से इफेक्ट करते हैं. पानी का फ्लो कहीं ना कहीं बढ़ता रहता है क्योंकि पानी तो बहती चीज़ है, इट कीप्स ऑन फ्लोइंग, यू कांट स्टॉप इट. सो समवेयर समहाउ अपनी जगह तो बना लेता है, तो पानी तो फ्लो होता रहेगा लेकिन वो चैनलाइज्ड हो जाता है, एंड जो साइड में है वो लेटरल इरोजन करते हुए साइड में जगह बनाता है. लेटरल इरोजन मैंने आपको बताया था, जो रिवर बैंक्स, जो नदी अपने तटों को काट के रास्ता बनाती रहती है, क्योंकि बीच में अगर कोई सा आप घर में अगर आप पानी बहाते हैं और बीच में अगर आप कुछ ऑब्जेक्ट रख दें जो कि उस पानी के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, सो गाइस वन थिंग इज फॉर श्योर, पानी अपनी जगह साइड से बनाएगा ज़रूर. और अगर वहाँ मिट्टी होगी या सैंड होगी, एक्सपेरिमेंट्स में आप देख लीजिए, तो उसको काट के जगह बनाएगा. इन द सेम फिनोमेना लेटरल इरोजन के कारण पानी का फ्लो बढ़ जाता है. नाउ ये जो चैनल फॉर्मेशंस होते हैं ये बेसिकली कुछ ब्रेडेड पैटर्न्स में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैंने आपको बताया नहीं है, ये जो ब्रेडेड पैटर्न्स रहते हैं, ये जो सेंट्रल एरियाज हैं, यहाँ पे यू कैन गो अहेड एंड सी अ लॉट ऑफ डिपोजिशन ऑफ ग्रेवल, सैंड एंड एवरी सॉर्ट ऑफ थिंग. तो ये जो डिपोजिशन रहता है इन जगहों पर फ्रेंड्स, ये डिपोजिशन क्रिएट करता है एक ऐसा पैटर्न जिससे कि एक चोटी, एक महिला की जो चोटी होती, गर्ल्स की जो होती है पॉनीटेल एंड ऑल, वो जो चीज रहती है या ब्रेड जिसे हम कहते हैं, वो पैटर्न क्रिएट हो जाता है. अब इन ब्रेडेड पैटर्न्स के बीच में हमें छोटे छोटे टापू मिलते हैं, वो आइलैंड्स होते हैं बेसिकली, या तो सैंड से बने, या तो ग्रेवल से बने, या तो पेबल्स से बने, और ये आइलैंड्स काफी बड़ा लैंडफॉर्म ले लेते हैं कभी कभी फ्रेंड्स. अब एक चीज देखी है, ये जो वाटर फ्लो है ये थ्रेड के समान, एक रस्सी के समान पैटर्न बना रहा है, लेकिन इसकी एक पिक्यूलियर क्वालिटी रहती है. दिस वाटर फ्लो एक्चुअली गोज ऑन सब डिवाइडिंग इटसेल्फ एंड रीजॉइनिंग इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द इजी ग्रेडियंट. जो सॉफ्ट ग्रेडियंट, मतलब जो सतह इनको सॉफ्ट मिलती है, वहां से ये पानी का फ्लो कहीं ना कहीं एक दूसरे का कटाव करते हुए मिलता और अलग होता रहता है. सो दिस इज बेसिकली द ब्रेडेड चैनल्स. आई होप आपको ये टॉपिक अब समझ में आया होगा. स्टिल अगर कोई डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलेगा. और फ्रेंड्स एक और चीज, वी हैव स्टार्टेड गिविंग आउट मेंबरशिप एट अ वेरी नॉमिनल अमाउंट. इफ यू आर इंटरेस्टेड टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ अनलिमिटेड एड और असिस्टेंस, फ्री सेशंस विथ योर फेवरेट टीचर्स एंड मच मोर, सो प्लीज गो अहेड एंड कॉन्टैक्ट अस एट द नंबर्स गिवन बिलो. थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू अगेन, टेक केयर, बाय बाय.